वेलकम बैक टू पैनल डे सुपर हीरोज़ अहोय। मेरा नाम है तुषार। तो आज मैं फिर से नागराज के साथ वापस आया हूँ और ये इवेंट बुक है, सीरीज़ है नागायण। इसके बारे में आपने सुना ही होगा अगर आप राज कॉमिक्स को फॉलो करते हैं। तो नागराज एक नागराज का जो नागायण इवेंट है वो नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव को मेनली फीचर करते हुए रामायण की स्टोरी को रिट्रेस करता है, एक री इमेजिन करता है एक राज कॉमिक्स यूनिवर्स में। और मैंने पहले भी बात करी है इसके बारे में, मैं थोड़ा सा मिक्स था इसको अप्रोच करने के लिए और शायद बहुत पहले एक बुक उठाई थी और तब कुछ ज़्यादा हिट नहीं करी थी वो। तो ऐसा ही मेरे साथ सर्वनायक में हुआ था और अभी जैसे लास्ट वन ईयर में मैंने सर्वनायक पूरी पढ़ी है, उसके सारे वीडियोज़ बनाए हैं, लेटेस्ट पार्ट तक सारी पढ़ी हुई है। तो ऐसा ही होता है बुक के साथ, कभी हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, बाद में पढ़ते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो नागायण का मैंने मिस्टेक किया था कि जो उसका फ्लैशी सा बड़ा एडिशन आता है वो मैंने लिया नहीं था। मुझे हमेशा लगता था कि ये इफ़ इट्स वर्थ मनी और नॉट। पर एक बार जब इसका ऑफ़र आया था आई थिंक RCMG में न्यू ईयर करीब, तो तब मैंने लिया था ये और तब मैंने इसके सिंगल्स ये लिए थे। तो इसके मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं तो बहुत शॉर्ट में दिखा देता हूँ। ये इसकी ये चार शुरू की बुक्स हैं और ये इसके आगे की बुक्स हैं। तो आगे की बुक्स में ये तहनकांड, रणकांड, समरकांड, इतिकांड और ये उपसंहार की बुक है। और अभी महानागायण की वापस से बुक्स आ रही हैं तो ये एक अवतरण पर्व है और इसी की अभी रक्त पर्व भी आई है जो कुछ दिनों में मुझे मिलनी चाहिए। तो अपनी रीडिंग के बारे में बता दूं मैं, ये जो नागायण है मैंने ये सारी नहीं पढ़ी है और अभी मैंने चार बुक्स पढ़ी हैं, वरण कांड, ग्रहण कांड, हरण कांड और शरण कांड। और जैसे वो क्या फैक्टर था जिसकी वजह से मैं वापस नागायण में इंटरेस्टेड हुआ, वो ये था कि जब मैंने इसकी शुरू की ये वरण कांड के कुछ पेजेस पढ़े तो मैं एकदम से अट्रैक्ट हुआ कि किस तरह से अनुपम जी ने एक अलग ही टाइम तैयार किया है। लाइक उनको सारी बीट्स पता हैं, लाइक फ्यूचरिस्टिक, साइंस फिक्शन और किस तरह से एक एंशिएंट इंडियन मैथोलॉजी में उसको कनेक्ट किया है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा एंड दिस इज़ लाइक यू नो हाउ दे से लॉन्ग टाइम अगो इन अ गैलेक्सी फार फार अवे। तो इसमें द वर्ल्ड इज़ इन 2023 और 2025 में ये स्टोरी घट रही है और एक मीटियोर ने दुनिया को अटैक किया है एंड द होल वर्ल्ड हैज़ मूव अंडरग्राउंड। तो अंडरग्राउंड में टनल्स हैं और साइंस काफ़ी तरक्की कर चुका है और वहाँ पर कैसे कैरेक्टर्स आते हैं, तो एक एपोकलिप्टिक टाइप का, डिस्टोपियन टाइप का फ्यूचर देखने को मिलता है। जैसे कि आपको शायद द इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में देखने को मिला था। और वहाँ पे ये हीरो वापस से किस तरह से अपने दिमाग से, अपनी पावर से किस तरह उन डीमंस को लड़ते हैं। तो ये मुझे लग रहा था कि ये रामायण की स्टोरी इसमें कैसे शुरू होगी, बट यू हैव टू रीड इट टू सी कि किस तरह से अनुपम जी जॉली जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से ये रामायण की स्टोरी इसमें चालू करी और स्वयंवर का यहाँ पे जो तृतीय अध्याय शुरू हुआ उससे रामायण की जो स्टोरी है वो पिकअप होती है। ग्रहण कांड इज़ ऑफन नोन टू बी वेरी पॉपुलर, इसमें काफ़ी इसके अच्छे रिव्यूज़ ग्रहण कांड के आए हैं। और जिस तरह देखें आप ये सीरीज़ में बहुत ही शानदार तरीके से स्टोरी का रिकैप था, तो ये फाइल्स में दिखाया गया है। ये नागायण में मुझे इतने सारे एलिमेंट्स लगे, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है ये बुक। और ये नए तरह का आर्ट है, इसमें उस टाइम के लिए नए तरह का आर्ट था जो अभी तो आपको सर्प या उन बुक्स में देखने को मिलता है। बहुत बहुत डिटेल्ड कलरिंग और एक डिफरेंट टाइप का डार्क कलर स्कीम। तो ग्रहण कांड तो अच्छी है ही, इसमें काफ़ी ट्विस्ट और काफ़ी मज़ेदार इसमें चीज़ें आती हैं। और जो राज कॉमिक्स का आइकॉनिक इवेंट है विसर्पी की शादी, ये उसको लेके बनाया गया है, पूरा पिरोया गया है रामायण के रंगों में। तो ये हुई ग्रहण कांड और उसके बाद आती है हरण कांड। तो इसमें जो नागपाशा है वो एक रावण तरह का रूप ले लेता है, 10 सर वाला, और वो 3 भागों में 3 उसके अवतार बन जाते हैं। और फिर किस तरह से ये स्टोरी चलती है, इसमें विसर्पी की शादी
भारती विसर्पी इनका आपस में कोर्ट केस और ये सब भी दिखाया जाता है। सुपर कमांडो ध्रुव का एक अलग ट्रैक है और एक अलग ट्रेजेडी है इसमें, और ये नागराज की वापस शादी होती है और किस तरह से उनको वो वन में ले जाते हैं, एक वनवास हो जाता है, कोर्ट एक पनिशमेंट जो देती है, और काफ़ी बीच में कॉमेडी भी है और अलग अलग विलेंस भी इंट्रोड्यूस करे गए हैं इसमें, पर नए भी पुराने भी आप विलेंस आपको देखने को मिलेंगे। तो नागराज के यूनिवर्स के सारे कैरेक्टर्स मिलेंगे। ये है हरण कांड और इसके बाद आती है शरण कांड। तो शरण कांड में कुछ और कैरेक्टर्स एंट्री लेते हैं, इसमें आपको धनंजय देखने को मिलेंगे। तो ये एक स्टोरी का रिकैप है। तो जिस तरह मैंने बताया कि जो जो ये नागपाशा के तीन रूप कहलाते हैं, वो होता है जो विभाजित हो जाता है, वह क्रूर पाशा, भीरू पाशा व सुप्त पाशा। तो क्रूर पाशा का इसमें जो वो अपहरण कर लेते हैं, जिस तरह से हरण कांड बना था, तो उसके बाद ये स्टोरी पिक करती है और काफ़ी इसमें अच्छे साइंस फिक्शन के आपको एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग इसमें स्टोरी है। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे इस सीरीज़ में, और यही मज़ा है राज कॉमिक्स का, जो ये क्लासिक सीरीज़ है, इनको आप कभी भी रिविज़िट कर सकते हैं। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ राज कॉमिक्स, एंड आई एम रियली ग्लैड कि मैंने ये बुक्स ली और इनको आउटराइट रिजेक्ट नहीं करा। क्या पता बालचरित सीरीज़ में कभी रिविज़िट करूँ, बिकॉज़ अभी तो मेरा उसको कोई प्लान नहीं है उसको रिविज़िट करने का, बट अभी के लिए नागायण आई एम एन्जॉइंग, एंड लेट्स सी कितने दिन लगते हैं ये बाकी की चार पांच बुक्स पढ़ने में, एंड देन आई गेट टू अवतरण पर्व और शायद तब तक रथ पर्व भी आ जाए। तो दैट इज़ प्रीटी मच अबाउट इट, एंड एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम विजिटर, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फ्रॉम पैनल डेज़।